जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं। अंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो, ये मंदार ये शमी, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखी है आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का, शमी की पत्ती जो होती है उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है, थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अभी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है शिव जी की बेटियां जया विषहरा शामलीबारी दौतली देव, शिव जी की पुत्री। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार, बाबा को चंदन का लेपन, अभीर गुलाल अक्षत बेलपत्र धतूरा जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, तब शमी की पत्ती को माँ जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो माँ जगत जननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करे। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा, शमी पत्र जैसे शिवलिंग जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय, जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है, मानव का देह है ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा, लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मन कामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है, जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है,
बहुत दुखी जीवन, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते देते किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचैन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पिए। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहां रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास बहुत जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आयो, भरोसा है, दृढ़ता है, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अभीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर नहीं, एक एक कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तू मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल। खाली न जाता कोई खाली न जाता कोई।